Bismillahirrahmanirrahim. Alaikum. Welcome to all of you in e lecture PK. I hope all of you will be healthy and happy. Today, once again, I am going to share very interesting and informative lecture with you. That is about interesting and amazing facts of China that you never knew before. सो लेट्स स्टार्ट आर टुडेज लेक्चर बिफोर द फैक्ट्स वी शुड नो द फुल नेम ऑफ चाइना सो द फुल नेम ऑफ चाइना इज पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना चाइना का पूरा नाम अवामी जमहूरिया चीन है किसी भी मुल्क के लिए वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि कंट्री के फैक्ट्स और फिगर्स बनते ही वहाँ की पापुलेशन से हैं सो फर्स्ट फैक्ट ऑफ चाइना इज़ दैट इट इज़ द मोस्ट पॉपुलस नेशन ऑफ द वर्ल्ड पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी चाइना की है दैट इज़ राउंड अबाउट वन मिलियन पीपल ऑल दो चाइना इज़ मच डिवेलप नो चाइना के अंदर बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो इन्वेंट हो रही है लेकिन इसके बावजूद चाइना के अंदर जो कुछ ओल्ड ट्रेडिशन्स हैं ये उससे रिलेटेड फैक्ट है जो हमारा सेकंड है कि चाइना के अंदर अभी भी तीस मिलियन लोग जो हैं वो केव्स के अंदर रहते हैं ग़ारों के अंदर अगरचे ये गार जो हैं ये पुराने ज़माने वाले गारों की तरह नहीं है गारों के अंदर ही हाउसेस की तर्ज पर पूरे फैसिलिटेटेड हाउस बने हुए हैं लेकिन ये चाइना का एक फ़ैक्ट है कि अभी भी वहाँ पे लोग ग़ारों के अंदर रहते हैं जी जनाब चाइना वॉल के बारे में तो आप सब जानते हैं जो चाइना की प्रोटेक्शन के लिए तमीर की गई लेकिन जो हमारा नेक्स्ट फैक्ट है चाइना वॉल के बारे में वो आप नहीं जानते होंगे और वो फैक्ट ये है कि ग्रेट चाइना वॉल की तमीर के वक्त इसकी बहुत सारी ब्रिक्स को राइस फ्लोर के साथ फ़िट किया गया मतलब जब चाइना वॉल को तामीर किया गया दीवारें चीन को तामीर किया गया तो इसकी बहुत सारी इंटों को चावल के आटे के साथ फ़िक्स किया गया है ना ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आपको बिल्कुल भी नहीं पता था नूडल्स चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो किसी भी हालत में हो वो चाइनीज़ की एक फेवरेट डिश है चाइनीज़ के हर खाने में नूडल्स लाजमी होती हैं हमारा नेक्स्ट फैक्ट जो है वो भी नूडल्स के बारे में है और वो ये है कि 2011 इलेवन में चाइनीज़ पीपल ने इंस्टेंट नूडल्स जो फ़ौरी तौर पर रेडी हो जाती हैं उसके 42.5 बिलियन पैक्स जो हैं वो खाए एक साल के दौरान ये चाइनीज़ का सबसे ज़्यादा नूडल्स का इस्तेमाल होने वाला कोटा है पेपर मनी जो हम सब की लाइफ का अब एक नेसेसरी पार्ट है जो हम सब डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं इसको इन्वेंट कब और किसने किया तो जी जनाब पेपर मनी को इन्वेंट करने वाले भी चाइनीज़ थे सतारवीं सदी में सबसे पहले चाइनीज़ पीपल ने रोल शुदा पेपर मनी जो है उसको इन्वेंट किया और उसको यूज़ करना स्टार्ट किया नेक्स्ट फैक्ट इज़ अबाउट पिक्स अगला जो हमारा फैक्ट है वो पिक से रिलेटेड है और वो ये है कि पूरी दुनिया में जितने भी पिक्स हैं उनके हाफ से ज़्यादा आधे से ज़्यादा पिग्स जो हैं वो चाइना में हैं चाइनीज़ इसको अपने खानों में भी इस्तेमाल करते हैं हमारा जो नेक्स्ट फैक्ट है दैट इज़ रिलेटेड टू चाइनीज़ रिलीजियस बिलीव्स और देय साइकोलॉजी एंड दैट इज़ के चाइनीज़ का ये बिलीव है चाइनीज़ अफसानों के मुताबिक हर साल जब उनका न्यू ईयर का इवेंट होता है तब एक नाइन नामी मॉन्सटर जो है वो निकलता है जो लोगों को खा जाता है नाइन नामी मॉन्स्टर जो है ये साल का रिलेटेड है साल का ऑल्टरनेटिव वर्ड है और चाइनीज़ के मुताबिक ये लोगों को खा जाता है जो कि फिर पापुलेशन को बैलेंस रखता है चाइना अपने शॉपिंग मॉल्स के हवाले से भी बहुत ज़्यादा मशहूर है तो हमारा नेक्स्ट फैक्ट जो है वो भी चाइना के शॉपिंग मॉल से है और वो ये है कि न्यू साउथ चाइना मॉल जो चाइना का एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है इसमें मोर देन टू थाउजेंड शॉप्स हैं लेकिन जो इंटरेस्टिंग थिंग है इसके बारे में वो ये है कि नाइन्टी नाइन परसेंट ऑफ दिस मॉल इज़ स्टिल एम इसलिए इसको गोस्ट मॉल या भूतों का मॉल भी कहा जाता है पांडा बहुत ही क्यूट बहुत ही इनोसेंट सा एक एनिमल है और पांडा के बारे में या चाइना के बारे में इंटरेस्टिंग थिंग इज़ दैट के चाइना के अंदर ही पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पांडास पाए जाते हैं या हम ये कह लें कि चाइना ही पांडों का घर है तो ये गलत नहीं है और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी पांडा जो हैं वो पैदा होते हैं उनको ग्रो करने के लिए या उनको ब्रॉटअप करने के लिए चाइना के अंदर ही लाया जाता है उसके बाद फिर उनको डिफरेंट कंट्रीज़ में ले जाते हैं नेक्स्ट फैक्ट अबाउट चाइना इज़ दैट इन टू थाउजेंड नाइन 2009 में चाइना के अंदर फेसबुक ट्विटर और गूगल और गूगल से रिलेटेड जितनी भी ऐप्स थी वो सारी बैन कर दी गई अब ये सारी सोशल मीडिया की वो ऐप्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं सो ऑल्टरनेटिव ऐप्स ऑफ दीज ऐप्स फॉर इंट्रोड्यूसिंग चाइना ताकि चाइनीज़ लोग जो हैं वो सोशल मीडिया को यूज़ कर सकें और वो अल्टरनेटिव ऐप्स कौन कौन थी थी इन ऐप्स के अल्टरनेटिव जो कुछ ऐप्स हैं उनमें रेन रेन इज़ अ अल्टरनेटिव ऐप ऑफ फ़ेसबुक वाइबो इज़ अ अल्टरनेटिव ऑफ ट्विटर वी चैट इज़ द अल्टरनेटिव ऑफ व्हाट्सएप और इस तरह बाकी कुछ और ऐप्स हैं हमारा नेक्स्ट फैक्ट थोड़ा सा यमी और थोड़ा सा डिलीशियस भी है दैट इज़ रिलेटेड टू आइसक्रीम आइसक्रीम जो हमारी मोस्टली लोगों की फेवरेट है और आइसक्रीम फोर थाउजेंड ईयर्स एगो चाइना के अंदर ही इन्वेंट हुई आइसक्रीम को इन्वेंट करने का सेहरा भी चाइनीज पीपल के पास है उन्होंने चार हजार साल पहले सिर्फ दूध और चावलों का जो कुछ मिक्सचर है उसको मिक्स करके आइसक्रीम बनाई नेक्स्ट फैक्ट जो है चाइना के बारे में दैट इज़ के चाइना जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा एडवांस है सो द ट्रैवलिंग इन चाइना इज़ ऑल्सो वेरी फास्टेस्ट और चाइना की जो बुलेट ट्रेन है वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन है जो कि फोर थर्टी किलोमीटर पर आर की स्पीड से मूव करती है इसकी स्पीड का अल्टरनेटिव पूरी दुनिया में कोई नहीं है नेक्स्ट हमारा फैक्ट जो है वो चाइनीज़ लैंग्वेज के बारे में है चाइना के अंदर क्योंकि इतने ज़्यादा लोग हैं सो चाइनीज़ लैंग्वेज जो है वो भी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है और पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें से फोटीन परसेंट पीपल जो हैं उनकी लैंग्वेज चाइनीज़ है मतलब चौदह परसेंट लोग पूरी दुनिया में चाइनीज़ ज़ुबान बोलते हैं ये भी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है नेक्स्ट फैक्ट अबाउट चाइना इज़ दैट स्टैम्प कलेक्टिंग इज़ द बेस्ट हॉबी इन चाइना चाइना के लोगों का सबसे फेवरेट जो हॉबी है वो टिकटें जमा करना है ऑल दो कि हमारा ये टेक्नोलॉजी का दौर है जिसमें अब टिकटें इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती पुराने ज़मानों में लेटर्स के ऊपर और दूसरी जो गवर्नमेंट कोई पार्सल्स थे उनके ऊपर टिकट्स यूज़ होती थी अब इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता लेकिन फिर भी स्टिल टिकट्स कलेक्ट करना चाइनीज लोगों का सबसे फेवरेट एक हॉबी है। जी केचप जो हम सब ही इस्तेमाल करते हैं हमारे जंक फूड पिज्ज़ास बर्गर्स जो हैं उनका टेस्ट ही तब तक डेवलप नहीं होता जब तक हम उनके अंदर कैचप को ऐड ना करें कैचप हम सब इसको लव करते हैं पसंद करते हैं और कैचप के बारे में जो इंटरेस्टिंग थिंग है दैट इज़ कि कैचप भी सबसे पहले चाइना में इस्तेमाल होना शुरू हुई चाइनीज़ पीपल ने कैचप को सबसे पहले बनाया और खाया सो अब जब भी हम कैचप खाएंगे तो हमारे माइंड में ये आएगा कि चाइना ने कैचप को बनाया उन्होंने इसको एज आ फिश सॉस के तौर पर बनाया जिसको उन्होंने कैचसिप का नाम दिया और अब बाद में आहिस्ता आहिस्ता ये डेवलप होती गई और अब टमाटरों से बहुत मज़े की कैचअप जो है वो बनती है और हम सब इसको अपने खानों में इन्जॉय करते हैं और मज़े ले ले के खाते हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि कैचअप की ये हिस्ट्री आपको बिल्कुल पहले नहीं पता होगी सो so, ये कुछ इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग फैक्ट्स थे चाइना के बारे में जो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पहले से नहीं पता होंगे और आज का ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होगा कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय से अपने ओपिनियन से ज़रूर आगा कीजिएगा आपके कोई भी सवाल हैं आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए उनके आंसर्स मेरे से पूछ सकते हैं स्टे कनेक्टेड स्टे ब्लेस्ड थैंक यू वेरी मच अल्लाह हाफिज़